तो दोस्तों सीधे हम बात करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, SBI बैंक के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे SBI का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मोटन लेवल्स है जो हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ध्यान में रखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन यहाँ पर जो है वो हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इस काउंटर के अंदर भी इवन तो नेगेटिव मार्केट होने के बावजूद पॉजिटिव क्लोजिंग्स भी आ रही है, एंड स्टॉक के अंदर भी ओवरऑल यहाँ पर जो है वो प्राइस एक्शन थोड़ा सा डिसेंट यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो अपकमिंग डेज के अंदर भी शायद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ बड़ौदा का और जो PSU बैंक्स है उनका व्यू यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। अब लेवल्स क्या कहते हैं, तो 800 इसका राउंड नंबर रेजिस्टेंस है। स्टॉक इंट्राडे में ब्रेक करने का ट्राई जरूर करता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो है वो रिजेक्शन ही आ जाता है। सो देखना ही है कि अगर मान लो नेक्स्ट वीक में मार्केट टर्न्स पॉजिटिव, अगर मार्केट में रिकवरी आती है और अगर SBI 800 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो एक अच्छी खासी शॉर्ट टर्म कवरिंग आपको 830 के रेजिस्टेंस की देखने को आराम से मिल जाएगी, और अगर उसके ऊपर निकल गया तो अगेन ऑल टाइम हाई की रैली भी पॉसिबल है।